अब सम नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें कार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है। पहले पढ़ते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो मतलब पॉसिबल आउटकम 52 कार्ड्स होंगे, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम लिखते हैं, तो आप बोलोगे सर लिखो टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 52 कार्ड्स। फिर से एक बार, टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 52 कार्ड्स। अभी यहाँ पे मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, क्लब के ये सब सारे सूट है, ये स्प्रेड के सूट है, हार्ट के सूट है और डायमंड के सूट है। आपको याद करवा दूँ, रेड कलर बोले तो रेड कलर, ये रेड कलर होता है, रेड कलर के टोटल 26 पे कार्ड होते हैं, ब्लैक कलर के 26 कार्ड होते हैं। इतना समझने के बाद आप बोलोगे सर ये जो है ये वाले, इसको फेस कार्ड बोलते हैं, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। तो आप बोलोगे सर एक बार कैलकुलेशन लिख के बताओ, टोटल 3 × 4 करोगे तो आप टोटल हो जाएगा 3 × 4 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। रेड कलर के फेस कार्ड 6 होंगे, यहाँ से लिखोगे तो ये रेड कलर के फेस कार्ड, और यहाँ पे बोलोगे तो ब्लैक कलर के 6 कार्ड हो जाएंगे। अभी कोई स्पेसिफिक सूट के लिए बोलोगे तो हर एक का 3 3 3 3 ऐसे आंसर आएगा। ये मैंने पूरा आपको बेसिक समझा दिया, अब भी आप प्रॉपर तरीके से सम करोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। करना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट में क्या दिया है, किंग ऑफ रेड कलर। तो किंग ऑफ रेड कलर, तो आप बोलोगे सर टोटल किंग कितने होते रेड कलर के, तो मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, ये जो है ना ये रहा, दिखेगा आपको प्रॉपर तरीके से, दिखा होगा, कलर थोड़ा अच्छा है इसलिए दिख जाएगा जल्दी। चलो तो अच्छा है, तो आगे चलते हैं। तो बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बाद आप प्रोबेबिलिटी लिखना शुरू करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर की, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग रेड कलर का हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो आप बोलोगे सर होगा 2 फेवरेबल आउटकम जो हमने ये ढूंढ के रखा हुआ है, और डिवाइड बाय 52 कार्ड्स, हमें पता है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, डिवाइड करोगे 1/26 हमारा आंसर आएगा। इसके बाद हम आगे जाएंगे, तो इसके बाद हमें लेना कौन सा वाला है, ये हाईलाइट हमने मिटा दी तो आपको समझने में इजी रहे। फेस कार्ड की बात कर रहे हैं, तो फेस कार्ड आप बोलोगे सर ये तो अभी आपने डिस्कस किया, यहाँ ऊपर है, थोड़ा अभी ऊपर चला गया। फेस कार्ड कोई भी डेक में टोटल 12 होते हैं, कौन से, तो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक, कुछ हाईलाइट में दिखाऊँ तो अच्छा रहेगा, ये लेगा पूरा, ये फेस कार्ड वाला सेक्शन है। तो आप बोलोगे सर टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी होगी फेस कार्ड की, 12, तो लिखना शुरू करते हैं, टोटल फेस कार्ड इज इक्वल टू 12, तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 12 है और यहाँ नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम 12 है, तो उसके बाद आप बोलोगे सर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से तो होगा 3 और यहाँ पे होगा 13। ये हमारा होगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अभी हम चालू कर रहे हैं थर्ड पॉइंट जिसमें दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं और उसके बाद नीचे जाएंगे। और रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड तो आपके माइंड में होना चाहिए कि सर रेड फेस कार्ड मतलब आप वो बोल रहे हो रेड कलर फेस कार्ड। तो अभी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड होगा कौन सा, तो आप बोलोगे सर ये रहा रेड फेस कार्ड जिसमें 6 कार्ड्स कवर होंगे। तो आप लिखना शुरू करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू टोटल कितने कार्ड है 6, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी, फिर से एक बार लिखते हैं थर्ड में, टोटल रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू 6 और यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड
इज़ी इक्वल टू आप बोलोगे टोटल फेवरेबल फेस कार्ड जो होते हैं सर 6 होते हैं जो हमारे कंडीशन के हिसाब से, और डिवाइड बाय 52 होगा, तो आप बोलोगे सर इसका जो हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3/26। ये हमारा आंसर होगा थर्ड का। तो अभी फोर्थ पॉइंट में पूछा गया है द जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट बोला गया है, तो हार्ट में जैक एक ही होता है, ये रहा आपके सामने एक कार्ड होता है, तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट इज इक्वल टू 1। तो अभी यहाँ आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट इज इक्वल टू, आप बोलोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो आप बोलोगे सर हमारे पॉसिबल आउटकम जो है टोटल पॉसिबल आउटकम वो है 52 और फेवरेबल है 1, इसके साथ आपका जैक ऑफ हार्ट का भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप बोलोगे फिफ्थ पॉइंट में क्या दिया हुआ है, द स्प्रेड बोला गया है, स्प्रेड बोलोगे तो सर स्प्रेड के अकेले के 13 पेजेस होते हैं, तो 13 होते हैं, तो आप लिखना शुरू करोगे टोटल नंबर ऑफ स्पीयर या स्पेयर स्प्रेड, टोटल नंबर ऑफ स्प्रेड इज इक्वल टू, आप बोलोगे 13। अभी प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रेड इज इक्वल टू, तो वो हमारा होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, तो आप बोलोगे सर 13 टोटल है फेवरेबल आउटकम और पॉसिबल आउटकम टोटल हमारे है 32, सॉल्व करोगे तो 1/4 होगा, वो हमारा होगा फिफ्थ नंबर का आंसर। और अभी आखिर में हम देख लेते जो है सिक्स्थ वाला, द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड सीधा बोल दिया है कि सर ये क्वीन ऑफ डायमंड, तो आप बोलोगे सर इसमें तो एक ही चांस है टोटल पॉसिबल आउटकम, तो आप कितने हैं टोटल नंबर ऑफ, तो आप बोलोगे सर सीधी बात है इसमें तो टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर एक ही क्वीन होती है डायमंड की, तो हम लिखना शुरू करते हैं वो सिक्स्थ क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 1। लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर डायमंड की क्वीन 1 है फेवरेबल, वो 1 होगा डिवाइड बाय 52 होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये सम थोड़ा लेंथी है लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दो बार बीच में आपको पॉज करके लिखना पड़ेगा तब भी आपको होगा, तो आपने नहीं लिखा है अब तक तो आपकी नोट में प्रॉपर तरीके से लिख दीजिए, तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट कवर हो गए कि ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड, फेस कार्ड, इंडिविजुअल कार्ड, तो आपको क्लियर हो जाएगा। कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।